ऑटोमेशन एनीवेयर के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ऑटोमेशन एनीवेयर के A2019 के बारे में स्टडी करेंगे। सो डायरेक्टली जंप करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हमें ऑटोमेशन एनीवेयर के कम्युनिटी एडिशन का एक्सेस होना चाहिए। उसके लिए आप ऑटोमेशन एनीवेयर की वेबसाइट पर जाकर आपका अकाउंट बनाएं और वहां पर कम्युनिटी एडिशन के लिए आप अप्लाई कर दें। तो आपको एक मेल आ जाएगा, ये आपको इस तरीके का मेल आ जाएगा जिसके अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। और पासवर्ड ऑफकोर्स आप वो फर्स्ट लॉगिन के टाइम पर आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। ओके सो और ये जो कंट्रोल रूम होगा, ये कंट्रोल रूम पर ही A2019 के बॉर्डर बनते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कंट्रोल रूम है आफ्टर लॉगिन। सो बॉट बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर बॉट क्रिएट अ बॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको IQ बॉट का भी ऑप्शन मिलता है और बॉट इनसाइट भी देखने का ऑप्शन मिलता है। हम लोग इसके बारे में भी और आगे स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग एक बॉट को सिंपली एक बॉट बनाकर देखते हैं। मैं बॉट का नाम रखता हूँ टेस्ट और इसको हम बॉट के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर स्माइल है, यहाँ पर मेरे वो है सैम्पल बॉट्स में मैं इसको रखता हूँ, इसका नाम टेस्ट रखेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये लुक एंड फील हम लोगों को आपको मिलता है। इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी, इसमें तो उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल एक बॉट बनाएंगे जो एक मैसेज बॉक्स आपको प्रिंट करके आपको शो करेगा। ओके सो ये है आपका स्टार्ट। यहाँ पर देखिए इसका जो लुक एंड फील, एक बार मैं थोड़ा समझा दूँ। फ्लो है तो यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के तरीके से दिखेगा। जैसे अगर समझ लीजिए आप कोई भी चीज़ डालते हो, जैसे कोई एक्शन डालते हो, यहाँ पर एक्शन में आकर आप एक क्लिप बोर्ड डालते हो तो क्लिप बोर्ड से कॉपी फ्रॉम क्लिप बोर्ड, तो ये इस तरीके से फ्लो बनता है। ठीक है, और अगर आपने इसको लिस्ट में रखा तो फिर वो यहाँ पर ये इस तरीके से वो लिस्ट बन करेगा जिस तरीके से इसके प्रीवियस वर्जन्स में होता था। और अगर आपने डुअल पे रखा तो वो दोनों दिखाई देगा और जो भी। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी हम लोग एक सिंपल मैसेज बॉक्स प्रिंट मारेंगे, मैसेज बॉक्स। अच्छा, ये मैसेज बॉक्स अभी मैंने डुअल पे रखा है तो दोनों दिखाई देगा ताकि उससे फिर हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैसेज बॉक्स जो हम लोगों को मैसेज शो करना है, स्क्रोल आफ्टर 30 लाइन्स, तो 30 लाइन्स होने के बाद वो स्क्रोल करेगा। और यहाँ पर अगर मैसेज को ऑटोमेटिक क्लोज करने का है तो इसको इनेबल करने का, और ये यहाँ पर टाइम देने का कि 5 सेकेंड है तो 10 सेकेंड है, जितना भी टाइम आपने तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको मैं फिलहाल बंद रखता हूँ। और यहाँ पर एंटर द मैसेज बॉक्स विंडो टाइटल के ऊपर क्या नाम रहेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग हेलो अपना डाल देते हैं, उसको अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद इसको सेव करता हूँ। इसके बाद हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट काम है, हम लोगों को PC को पहले कनेक्ट करना है, कंप्यूटर कनेक्ट होएगा। अभी देखिए बॉट एजेंट अपडेट रिक्वायर, तो बॉट एजेंट करके एक सॉफ्टवेयर है जो ये मतलब जब हम लोग यहाँ पर बॉट बना लेते हैं उसके बाद यहाँ से डिपेंडेंसीज डाउनलोड होती है मशीन में, और फिर मशीन पर बॉट रन होता है क्योंकि बॉट ये वेब पेज पर नहीं रन होता है, बॉट को मशीन पर रन होता है। तो इसके लिए ये बॉट एजेंट है, तो अब मैं अपडेट कर लेता हूँ उसको। आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक प्लगइन डाउनलोड होता है अच्छा खासा, कभी बड़ा होता है 150-200 MB तक का कभी कभी होता है, तो वो आपको डाउनलोड करना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद मशीन के क्रेडेंशियल वगैरह वो लेता है। क्लिक हियर टू डाउनलोड द अपडेट, पॉज करता हूँ और जब ये डाउनलोड हो जाता है फिर मैं मिलता हूँ। तो ये जो बॉट एजेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। एक्चुअली ये बहुत उन लोगों का सर्वर बहुत स्लो है, मुझे 2 घंटे लग गए वो डाउनलोड करने में। ओके, फिर ये डाउनलोड हो गया, इसको अभी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। एक्चुअली एक छोटे सा मैसेज बॉक्स को प्रिंट करके देखना ये सबसे ईजिएस्ट वे है कि आपका सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, ये उसके बाद इसको ओके यस कर दिए, अब ये इंस्टॉल होएगा।
ये एक बेस्ट वे है कि आपका आपका सिस्टम रेडी है कि नहीं रेडी है, उसके बाद हम कोई बड़ा मतलब बॉट बनाकर और टेस्ट प्रोग्राम लिखकर देख सकते हैं। तो एक छोटा पहले एक बॉट बनाकर उसको रन करके देख लेने का, अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाता है इसका मतलब आपका एनवायरनमेंट इज रेडी। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है बॉट एजेंट, ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं अपने। स्टार्ट करने के लिए बोला ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, देखते हैं अगर हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके, आफ्टर दैट मैंने रिफ्रेश कर दिया। ओके, रीलोड पैकेज, ये ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली रन करेंगे। जब हम लोग इसके ऊपर रन पर क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर पे एक कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेगा। अच्छा, ये हर बार डाउनलोड हर बार होता है, आप कितना भी छोटा प्रोग्राम लिखो या बड़ा प्रोग्राम लिखो, ये हर बार एक डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है। सो बी पेशेंट। तो मतलब जब आप बॉड बनाते हो वो टाइम पर थोड़ा जो भी फ्रीक्वेंसी से आप बनाओगे, हर बार जब आपको रन करना है तो आपको इसके लिए वेट करना है। तो क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं थे डाउनलोड करने का, देखिए आपका बॉड रन हो गया, वहाँ पर हेलो का मैसेज आ गया। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक, ये आपका बॉड सक्सेसफुली रन हो गया। दिस इज़ द बेसिक AA ऑटोमेशन एनीवेयर A2019 का बॉट, सबसे छोटा बॉट जो आप उसको रन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। फिर एक नए बॉट के अंदर फिर हम लोग मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम, बी सेफ।